हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टीचिंग यू स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट जनरल नॉलेज। ओपन दिस बुक एंड चैप्टर नंबर 14, पजलिंग वर्ड्स। सो यहाँ पे कुछ पजलिंग वर्ड्स हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट नेम अंडर ईच पिक्चर। सो हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसके हमें नेम राइट करना है। चूज योर आंसर फ्रॉम द वर्ड्स गिवन एट द लेफ्ट साइड ऑफ द पिक्चर। सो यहाँ पे हमें उसके आंसर लेफ्ट साइड में दिए गए हैं, देखो ये। सो हमें इस पिक्चर्स को देख के उसको उसके जो जो राइट नेम है वो लिखना है। सो रेन एंड रेन, सो रेन मीन्स बारिश होना। सो यहाँ पे आएगा ये जो है रेन, जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। फिर है रेन, रेन मीन्स यहाँ पे देखो इसको लगाम, जो घोड़े की लगाम कहते हैं उसको भी रेन कहते हैं। सो रेन एंड रेन। सो यहाँ पे आपको इस पिक्चर को देख के यहाँ पे राइट करना है रेन, और यहाँ पे देख कर करना है रेन। सी नेक्स्ट, हेयर हेयर। सो एच ए आर ई हेयर मीन्स खरगोश एंड एच ए आई आर मीन्स जो बाल होते हैं उसको हेयर कहते हैं। ओके नेक्स्ट, प्लांट, सॉरी प्लेन, प्लेन। सो प्लेन, सो प्लेन इज अ प्लेन एंड प्लेन, प्लेन मतलब जो एरोप्लेन होता है उसको प्लेन कहते हैं। ओके फिर नेक्स्ट, सूट एंड सूप। सो सूट इज अ दिस पिक्चर खालिश एंड सूट, यानी कि जो कोट हो जो इसको सूट कहते हैं। नेक्स्ट, नाइट एंड नाइट। सो नाइट मीन्स रात एंड नाइट मीन्स शूरवीर। सो ये जो नाइट का पिक्चर है तो आपको लिखना है NIGHT नाइट, एंड ये जो है शूरवीर है तो यहाँ पे लिखना है KNIGHT, जो के है वो साइलेंट है तो ये भी नाइट ही है। ओके सो होमवर्क इज राइट गिवन आंसर इन योर रफ नोटबुक। फिर जब आप यहाँ से ये जो बुक क्लास में आप स्कूल में आपने सबमिट करवाई है, सो जब आप ले जाओ तब ये अपनी जो वर्क बुक है उसमें आपको राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स।